हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जो कि झील के बारे में है। ये प्रमुख झीलें भारत के बारे में बताई गई हैं और ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। हमने इसको स्केच और ये ब्लैक कलर के मार्कर से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हमने सभी राज्यों के बारे में बताया है, कौन सा राज्य कहाँ पर है और उनकी राजधानी के बारे में बताया है, कौन सी राजधानी कहाँ पर है। आज हम आपको बताएँगे कि इसमें कौन सा राज्य में कौन सी झील पड़ती है। ये सबसे पहला राज्य है जो कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में प्रमुख दो झील हैं, एक वुलर एक डल। वुलर झील मीठी बड़ी यानी कि मीठे पानी की और भारत में सबसे बड़ी है, जो कि मीठी और बड़ी है। ये भारत में जम्मू कश्मीर में पड़ती है जो कि श्रीनगर से कुछ दूरी पर है। और ये डल झील जो कि श्रीनगर के किनारे पर है, और इस डल झील में आप वोटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको झील के किनारे मार्केटिंग भी मिलेगी। ये घूमने के बेस से डल झील ज़्यादा फेमस है। अन्य यहाँ की झीलें हैं शेषनाग, अनंतनाग, वैरीनाग, जानसर, मानसबंद। और ये जितना भी नाग या नागिन लगी हुई झीलें हों वो आप समझिए कि वो जम्मू कश्मीर में हैं। उसके बाद नीचे हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में केवल दो प्रमुख झीलें हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी झील नहीं है। ये ताल देखकर आप ये ना सोचिएगा कि उत्तराखंड में नैनीताल है तो ये सूरज ताल चंद्र ताल यहाँ पे होगी। केवल यही दो प्रमुख झीलें ऐसी हैं जिनके साथ ताल लगा हुआ है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो ताल लगी हुई झीलें हैं जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड में है, आप उत्तराखंड से देख सकते हैं खुरपा ताल, राकस ताल, सात ताल, भीम ताल, नौकुशिया ताल, देव ताल, ये सभी हमारी उत्तराखंड में आती है। ताल लगी जितनी भी झीलें आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में प्रमुख झील सामर झील है जो कि खारी है। यहाँ पर नमक भी बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक पुष्कर झील है, डिडवाना झील है, ढेबर झील है। ढेबर झील का दूसरा नाम राजसमंद झील है। नक्की झील है, फतेह सागर झील है जो कि ये मानव निर्मित है, बाकी ये प्राकृतिक निर्मित है। पिछौला झील है, ये सभी राजस्थान में आती है। गुजरात में नल सरोवर झील है, नील सरोवर झील है, नील सरोवर इसमें नहीं लिखी हुई है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक झील है जो कि जिसका नाम लोणार झील है। और ये लोणार झील उल्कापिंड से बनी हुई है। पहले इसकी मान्यता थी कि ये ज्वालामुखी से बनी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी दिखाते हैं इसको उल्कापिंड से बना हुआ है। इसके बाद इधर आते हैं, ये हमारा मेघालय, ये वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेघालय में मासीराम और चेरापुंजी जो कि वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की एक प्रमुख झील है उमियन झील। इसके बाद ये इधर है लोकटक। लोकटक झील हमारी पड़ती है मणिपुर में। लोकटक झील सबसे ज़्यादा प्रमुख है भारत में और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस लोकटक झील में ही एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजो। और यहाँ ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है जो कि तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है जो कि लोकटक झील पे ही है। इसके बाद ये आती है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की झील है, लैगून झील है। लैगून झील जो ज़्यादातर समुद्र से लगी हुई झीलों को ही लैगून झील बोलते हैं। और ये खारे पानी की लैगूनी सबसे बड़ी झील भारत की है जो कि चिल्का झील है। उसके बाद इधर नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लैगून झील है, कुलेरू झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों मिलते हैं तो आप आंध्र प्रदेश मार सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है तो इसको तमिलनाडु भी लगा सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं केरल। केरल में वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है। केरल में झीलों को कयाल बोलते हैं। और ये इधर जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील के किनारे श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसके लिए ये ज़्यादा फेमस हो जाती है। भारत में प्रमुख रूप से वूलर, डल, सांभर और पुष्कर और लोनार, बेमानत, अष्टमुडी, पुलिकट, लोकटक, उमियन ये प्रमुख जिले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। बाकी अब याद करने के लिए बहुत कुछ याद कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को सही से देखा है तो आप इसको अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। बनाने के साथ आप इसको जैसे कलर किया हुआ है ऐसे कलर करके भी रख सकते हैं। और कभी भी आप इसको उठा के देखेंगे तो जो झील जिससे जुड़ी हुई है वहाँ पर राज्य भी लिखे हुए हैं, तो आपको राज्य के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस वुलर झील,
वूलर जम्मू कश्मीर, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, ऐसे बोलते जाइए। या बोल सकते हैं जैसे कि सांभर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, इस टाइप से अगर आप राज्य और झील का नाम आपस में बोलेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगा। अगर आपने ये वीडियो सही से देखा हुआ है और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।